हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस कंटिन्यूस मिल रहे हैं। हाँ, थोड़ा फिजिक्स का वीडियो नहीं आ पा रहा है पिछले कुछ 5-6 दिनों से, क्योंकि उसके पीछे रीजन है जो हमारे टीचर है, हमारे संजीव सर जो है, आप जानते हैं, तो फिजिक्स पढ़ाते हैं बेसिकली 12th के लिए भी एंड 11th के लिए भी। तो उनका थोड़ा सा ना घर का, थोड़ा सा उनके बेबी का, बच्चे का थोड़ा सा तबियत बहुत खराब चल रहा है, मतलब मेडिकल इमरजेंसी टाइप का चल रहा है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा बिजी है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से सब स्टेबल हो जाएगा, हम ब्लेसिंग्स देंगे, आप भी दुआ करो सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, तो वो फटाफट से आ जाए और अपना जो वीडियोस है वो बनाना शुरू करके आप लोग के लिए जो है बेहतरीन तरीके से फिजिक्स के वीडियो आए। लेकिन बाकी जो वीडियोस हैं मैथ्स पार्ट टू के आ रहे हैं, मैथ्स पार्ट वन फिर से आज लेकर आ गया हूं। बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट हो गया, अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं। आगे का जो चैप्टर है बायोलॉजी का, बाकी जो चैप्टर है वो मैंने पढ़ाए हैं, तो आप बस देखो वीडियोस को, प्यार देते रहो। कॉमर्स के लिए वीडियोस भी आ रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का चौथा, माफ कीजिएगा, पांचवा लेक्चर, 4.4 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए, 4 लेक्चर, उसमें हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी चीज पढ़ा। आज पांचवा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है, कौन कौन से टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, और उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स जो हमारे प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज नंबर 4.4 में है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जेआर ट्यूटोरियल ऐप हमारा बनके रेडी है, जिसमें आप लोग के लिए फ्री क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, जो आप जरूर से जाके देख लेना। और आने वाले समय में आपको पेड कोर्सेज इतने बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, कुछ फ्री कोर्सेज में मिलेंगे जो आपको अपने पढ़ाई में हेल्प करेंगे आगे बूस्ट करने के लिए। तो प्लीज इस चीज पे अच्छे से फोकस करना, और इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना है, बताना है, मेंशन करना है, स्टोरी लगा के आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब सीधा मैं लेके चलता हूं आप लोग को हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिसेस का मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ MNN, एम और एन क्या होते हैं, ये कोई एलिमेंट्स है, जैसे ABCD होते हैं एलिमेंट्स, वैसे ये एलिमेंट्स के नाम है। तो कोई भी MN नंबर जो रहेंगे वो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंज रहेंगे, जैसे M रो रहेगा, N कॉलम रहेगा, ठीक है, एनक्लोज इन ए बॉक्स। जैसे कि हमने डिटरमिनेंट पढ़ा, तो सेम डिटरमिनेंट ही है जो मैट्रिसेस है ना, इट इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट। हमने इस प्रकार देखा था डिटरमिनेंट 1 2 3 4, ये डिटरमिनेंट था। अब इसको अगर मैं इसके अंदर लिख दूं 1 2 3 4, तो ये बन गया आपका मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिसेस बोलेंगे। और ये बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। बॉक्स को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ये आपके लिए क्या था? डिटरमिनेंट। देखो ये चैप्टर के अंदर हमने दो चीज पढ़ा है ना, ये चैप्टर का नाम देखोगे तो दो है, एक डिटरमिनेंट है एंड मैट्रिसेस है। डिटरमिनेंट मतलब सिंगल लाइन के, दो सिंगल लाइन के बीच में कुछ नंबर है, दैट इज रोज एंड कॉलम। ये तो आप जानते ही, रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स है। तो वो अगर इस प्रकार अरेंज है तो डिटरमिनेंट बोलेंगे, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो इसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिसेस, ठीक है। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके कई सारे रूल है, डेफिनेशन तो आपने पढ़ लिया कि क्या होता है मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। अब इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखो तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले, कौन कौन से टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। एक ही रो प्रेजेंट है, मतलब समझ लो कि कोई इस प्रकार से प्रेजेंट है 1 2 3, ये एक ही रो है, उसके नीचे ना तो कॉलम है ना तो कोई ये है, तो ये हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट द रो मैट्रिक्स। वैसे कॉलम मैट्रिक्स रहेगा तो कॉलम मतलब क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ कॉलम रहेगा, दैट इज 1 2 3, सिर्फ कॉलम है, रो नहीं है, दैट इज नथिंग बट द कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया? जीरो और नल मैट्रिक्स, जिसमें ए मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मतलब कोई भी 2x2 मैट्रिक्स हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, पता है ना, 2x2 मतलब 4 एलिमेंट रहेंगे, 3x3 मतलब 9 एलिमेंट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पढ़ाया हमने डिटरमिनेंट्स में। तो अगर सब चीज जीरो है तो ये हो गया नल मैट्रिक्स, नल मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जैसे कि यहां पे देखोगे तो यहां पे दो रो है और दो कॉलम है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, दो रो दो कॉलम, ठीक है। पांचवा है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 और 4, एक और मैं बना के देता हूं आपको, समझ लो ये मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जीरो रहेंगे चलेगा, तो ये 1 और 2 और ये जीरो होंगे, तो डायगोनल जो था वो जीरो नहीं है लेकिन आपका बाकी मैट्रिक्स जीरो है, तो वो रहेगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल बनना चाहिए एक, ठीक है, एक डायगोनल बनना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे, समझ लो यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, ठीक है, तो 2 2 सेम हो गया ना डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट सेम है तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल किसको बोलेंगे? कंफ्यूजन मत होना, डायगोनल किसको बोलेंगे? जिसमें एक मैट्रिक्स के अंदर बाकी हर एलिमेंट जीरो है सिर्फ डायगोनल को छोड़ के, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? कि डायगोनल मैट्रिक्स जो रहेंगे वो सेम नंबर रहेंगे, जैसे 2 2 3 4, कोई भी नंबर है सेम रहे, दैट इज नथिंग बट अ स्केलर। और एक होता है यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब अगर कोई हमारा
डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल रहेंगे 1 1 और बाकी कुछ भी रह सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, देखो डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी रहेंगे, 1 रहेंगे, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार से कुछ चीज दिख रहा है आपको, तो इसको मैं बोलूंगा यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग को ना, ऐसे डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्राइस, देखो डिटर्मिनेंट बार बार निकल रहा है क्योंकि इसके पहले जितना भी था हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था, इसके पहले सब डिटर्मिनेंट पढ़ा था, अभी हमने मैट्राइसेस पढ़ना स्टार्ट किया है पांचवा लेक्चर में। ठीक है, और एक या दो लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो मैथ्स पार्ट टू के लिए भी हमने नौशाद सर से बात की है, जिसमें आपको सेट एंड रिलेशन चैप्टर आने वाला है, सेट एंड रिलेशन चैप्टर आपको मिल जाएगा। बाकी उसके पहले लिमिट्स कंटिन्यूटी, उसके पहले का जितने भी चैप्टर है वो सब कंप्लीट हो गया। तो आप अच्छे तरीके से मैथ्स टू का पढ़ाई करते रहो, नौशाद सर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं पढ़ा रहे। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहना। अब अगला कुछ टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है कि समझ लो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें डायगोनल के, यहां पे अगर आप देखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल, मतलब डायगोनल दिया हुआ है समझ लो, ये डायगोनल है, उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है, अभी तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, लेकिन 3x3 रहेगा तो कैसा हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6, ठीक है, इसको जीरो कर लो, इसको जीरो कर लो, इसको, तो ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे ये जीरो, ये जीरो जीरो, तो अगर डायगोनल के नीचे वाले तीनों जो नंबर रहेंगे वो अगर जीरो रहेंगे तो उसको मैं बोलूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल के नीचे अगर जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, क्योंकि अपर साइड में ट्रायंगल बन रहा है, देखो अपर साइड में ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। लेकिन वही अगर डायगोनल के नीचे अगर जीरो है, सॉरी ऊपर, डायगोनल के ऊपर मतलब ये वाला जीरो होता तो ये डायगोनल के नीचे वाले नंबर बनते, तो ये बनता लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस हिसाब से आप याद रखना, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, यानी कि जो नंबर है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे, समझ लो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, देख पा रहे हो, तो यहां पे H और ये H सेम है, यहां पे G और यहां पे G सेम है, और यहां पे F और यहां पे सेम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसका आप इंटरचेंज करो, देखो ये ए एच जी, इसका ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो ये ए एच जी है ना, इसको अगर मैं ऐसा लिखू तो ये ए एच जी है, इसको मैं ए एच जी लिखू, ये एच बी एफ है तो इसको मैं एच बी एफ लिखू, ठीक है, और ये जी एफ सी है इसको मैं जी एफ सी लिखू। तो ये मैंने क्या किया, इसका इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम में लिख दिया, कॉलम को रो में लिख दिया, फिर भी ये दोनों को देखो सेम है, ए जी एच बी एफ एंड जी एफ सी, देखो सेम है। तो अगर ऐसे में क्या होता है कि ए आई जे जो होता है वो ए जे आई होता है, देखो कहां गया ऊपर है ना, ये वाला ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग इंटरचेंज भी कर दे तो भी रो कॉलम रहेगा, कॉलम रो रहेगा, दैट इज नथिंग बट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वैसे ही एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, बस इतना फर्क रहेगा आप लोग का स्क्यू सिमेट्रिक में, है तो वो सिमेट्रिक, मतलब रो इंटरचेंज हो सकता है कॉलम के साथ, सिमेट्रिक है, लेकिन स्क्यू अगर जुड़ गया साथ में, एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे जो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना इसमें से एक माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस एच है तो ये एच है, ये जी है तो ये माइनस जी हो जाएगा, ये एफ है तो ये माइनस एफ, मतलब दोनों में से कोई एक इंटरचेंज होकर नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, वाइस वर्सा। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसमें ए आई जे जो होता है इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, समझ में आया, ए जो होगा उसका वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ए जे, मतलब वैल्यू सेम है, ये 4 है तो वो भी 4 ही होगा लेकिन माइनस 4 होगा, समझ में आया। वैसे सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हम उस डिटर्मिनेंट मतलब वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करते हैं अगर वो 0 आया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, समझ लेना। और एक लास्ट है ट्रांसपोज, जैसे मैंने बोला रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये कितने जितने टाइप के मैट्रिक्स थे, लगभग हमने 15 टाइप के मैट्रिक्स आपको कराए हैं। अब ये जो हमने सीखा इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे हमारे अभी एक्सरसाइज में, और ये जो चैप्टर है मतलब डिटर्मिनेंट तो हमने पूरा सीख लिया, अब इस चैप्टर में मैट्राइसिस का जो भी पार्ट बचा हुआ है ये पूरे में ना, ये जो 15 हमने पढ़ा मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर जो हमने पढ़ा है ना, ये सभी चीज अभी यूज होगा, यही असली खेल है मैट्राइसिस का। और अगला जो आप स्टैंडर्ड में जाओगे, अभी 11th में 12th में जाओगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर है मैट्राइसिस का, ठीक है ना, मैथ्स पार्ट 1 में सेकंड चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो चलो शुरुआत करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको काफी ज्यादा पढ़ के मजा आया होगा हमारे साथ ये। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4। अब ये जो एक्सरसाइज है ना आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना बराबर चल रहा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नया मार्कर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना है कि हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे और एक्सरसाइज 4.4 में क्या सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए आई जे 3x2, 3x2 लिखा हुआ है मतलब 3 रो 2 कॉलम,
तो समझ लो कि मैं मान लेता हूं कि लेट ए इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें तीन रो होंगे और दो कॉलम होंगे। तो तीन रो मतलब क्या होगा, पहला कॉलम जो होता है वो ए वन वन होता है, ये ए वन टू होता है, ठीक है, ये ए टू वन ए टू टू होता है, ये ए थ्री वन और ये ए थ्री टू होता है। तो ये आपका कितना हो गया एक, ये पूरा आप देखोगे एक रो दो रो तीन रो, ये तीन रो हो गए और कॉलम एक कॉलम दो कॉलम, तो ये क्या बन गया थ्री क्रॉस टू का एक मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग बस वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। तो हमारा पहला जो सॉल्यूशन जो दिया है हम लोग को वो क्या दिया हुआ है, मतलब जो जिससे हम लोग को निकालना है वो क्या दिया हुआ है कि ए आई जे जो रहेगा वो क्या रहेगा आई माइनस जे का स्क्वायर रहेगा अपॉन फाइव माइनस आई रहेगा, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब समझ लो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इसी का इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या निकालेंगे, ए वन वन का निकालेंगे। तो ए वन वन कैसे निकलेगा, देखो ए वन वन, ठीक है, ए वन वन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ये है, ए वन वन में आई और जे ये होता है ना आई वन जे वन, तो यहां पे वन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस वन, बराबर, आई और जे दोनों वन वन है, ये आई ये जे, ये आई ये जे होता है ना, पता है ना एलिमेंट, ये हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो ए वन वन का वैल्यू हमको मिल जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करूं क्या, मतलब इतना बड़ा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो अभी स्मार्ट हो गए एलिमेंट में, वन माइनस वन का स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, तो कोई भी चीज मतलब ऊपर जीरो आ गया तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो गया ना, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और कोई भी चीज जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर इज जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए वन वन का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है दोस्तों, यहां पे करेक्ट है, कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, करेक्ट है, ए वन वन इज जीरो। वैसे मैं और भी निकाल सकता हूं वैल्यू, ए वन वन निकाल लिया, वैसे ए वन टू निकाल लो, तो ए वन टू के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, आई माइनस जे, आई वन है जे टू है, इस बार वन टू है ना, वन टू निकाल रहा हूं, ए वन टू निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से दिख रहा है आपको, ये ए वन टू निकाल रहा हूं मैं, तो आई वन माइनस टू, ठीक है ना, यहां पे आता हूं इस साइड आता हूं, देखो तो वन माइनस टू का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आई, आई का फॉर्मूला क्या है वन है, यहाँ पे आई का वैल्यू वन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वन माइनस टू मतलब माइनस वन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फोर, तो माइनस वन का स्क्वायर इज वन, वन बाय फोर आंसर आ गया, तो ए वन टू का वैल्यू वन बाय फोर। वैसे आप ए टू वन का निकाल लो, ए टू वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई टू है माइनस जे वन है, इसका स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस आई, आई क्या है टू, ये हो जाएगा टू माइनस वन, वन का स्क्वायर वन अपॉन फाइव माइनस टू थ्री, तो वन बाय थ्री आ गया, ठीक है। वैसे ए टू टू निकाल लो, तो ए टू टू के लिए भी कितना हो जाएगा, टू माइनस टू दी होल स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस टू, यानी कि ये जीरो हो गया डायरेक्टली, टू माइनस टू का स्क्वायर जीरो होता है। ए टू टू भी हमने निकाल लिया, वैसे ही ए थ्री वन निकालूंगा अभी, देखो ये ए थ्री वन, तो इसमें आई थ्री है जे वन है, तो मतलब थ्री माइनस वन दी होल स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस जे का वैल्यू वन है, यानी कि थ्री माइनस टू वो टू होता है, टू का स्क्वायर फोर, फोर अपॉन फोर यानी कि वन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये लास्ट में है ए थ्री टू, तो मतलब ये हो जाएगा थ्री माइनस टू दी होल स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस टू, यानी कि वन का स्क्वायर वन अपॉन फाइव माइनस टू इज थ्री, वन बाय थ्री। तो ये आ गया सबके वैल्यू, अब बस आपको डिटर्मिनेंट बना के लिख देना है। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या है, ये है ना ए का वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू ये ब्रैकेट में ए वन वन का वैल्यू कितना है हमारे पास, जीरो है, ए वन टू का वैल्यू कितना है हमारे पास, वन बाय फोर, मतलब जीरो वन बाय फोर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, ए टू वन, ए टू वन कितना है हमारे पास, वन बाय थ्री, ए टू टू हमारे पास कितना है जीरो, तो ये वन बाय थ्री और ये जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब एक तीसरा क्या है, ए थ्री वन और ए थ्री टू, तो थ्री वन वन है, वन बाय थ्री है, तो वन और वन बाय थ्री, तो ये आपका बन गया एक डिटर्मिनेंट थ्री क्रॉस टू का बन गया आपका आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ए इज इक्वल टू जीरो, वन बाय फोर, वन बाय थ्री जीरो और वन और वन बाय थ्री, कितना इजी तरीके से आ गया, इतना इजी कुछ हो सकता है क्या, आप खुद ही कमेंट करके आप बता सकते हो, करेक्ट है दोस्तों, कितना सिंपल है, करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं, सही जा रहे हम लोग, बिल्कुल बराबर ना, फाइव माइनस आई होता है क्या, ओके, यहां पे फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री टू आएगा, फॉरवर्ड यहाँ पे टू आएगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आपका टू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आई होता है ना फाइव माइनस थ्री टू, वन बाय टू आएगा, यहाँ पे वन बाय टू आएगा, सॉरी, ठीक है, करेक्ट कर लेना, करेक्ट कर लेना, मैंने फाइव माइनस आई फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे फाइव माइनस जे डाल दिया गलती से, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल है, आ गया आंसर आप, करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताना है, जो आपने अभी इतना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा उसका दिमाग लगा के कि कौन सा टाइप का मैट्रिक्स बनता है। सबसे पहले आप देखो, यहां पे आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे तीनों जीरो है, तो ये क्या बनेगा, डायगोनल के नीचे जीरो बनता है मतलब ट्रायंगल ऊपर बनता है, तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसको देखो ये कैसा दिख रहा है, देखो दिमाग से, दिमाग का ही खेल है, आपने इतना सारा चीज पढ़ा है,
ये 4 है, ये माइनस 4 है, ये 7 है, ये माइनस 7 है, ये माइनस 3 है, ये 3 है, मतलब एक नंबर उसका उल्टा नंबर, यहां पे एक नंबर इसका उल्टा नंबर, यहां पे एक नंबर एक उल्टा नंबर, तो ये सिमेट्रिक है, लेकिन कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि माइनस आ रहा है। अगर ये सेम सेम होता, ये 4 होता, ये भी 4 होता, ये 7 है, ये 7 होता, ये 3 है, ये 3 होता, तो ये सिमेट्रिक होता, लेकिन ये माइनस वाला है, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहां पे, देखो यहां पे ये 6006, तो बताओ मुझे कौन सा आंसर हो सकता है इसका, फटाफट से कौन लॉजिक लगाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, देखो हमने ये चीज पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने एक बहुत ही अच्छा चीज पढ़ा था यहां पे, कि डायगोनल में देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, स्केलर मैट्रिक्स में देखा था एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब जितने भी डायगोनल्स है उसका वैल्यू सेम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है क्या, देखो यहां पे इसमें डायगोनल में जो है ना, ये डायगोनल सेम, तो ये क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, दोनों के दोनों डायगोनल जो है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ही ईजी है। ठीक है ना, अब यहां पर देखो ये वाला क्या लग रहा है आपको, देखो ये डायगोनल, डायगोनल के ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, मतलब जीरो बन रहा है और नीचे ट्राइंगल बन रहा है, तो ये नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, नीचे बन रहा है ना ट्राइंगल, तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको देखो, ये भी सेम उसी प्रकार दिख रहा है आपको लगभग। ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है बताओ। अब यहां पर जैसे मैंने आपको पढ़ाया था डायगोनल मैट्रिक्स में, एक चीज पढ़ाया था कि अगर कोई डायगोनल बनता है और उसको छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के सभी चीज जीरो है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, मतलब डायगोनल को छोड़ के सभी वैल्यू जीरो है, तो वो बन जाता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया आपके लिए, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स। ये बताओ कौन बताएगा, ये क्या दिख रहा है आपको, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, दिखने में खतरनाक दिख रहा है लेकिन है सिंपल, -15 -15, 27 27, 34 34, सेम सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू नहीं आएगा, स्क्यू होता कब होता, स्क्यू जब ये प्लस और ये माइनस होता, ये प्लस होता ये माइनस होता, तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, ये नॉर्मल सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां पे क्या है हमारे पास, 100 010 001, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इसमें आप देखोगे तो डायगोनल में सभी का वैल्यू 1 है, मतलब ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कभी भी कोई वैल्यू अगर डायगोनल में 1 1 1 आ रहा है, मतलब सब सेम ही है, 1 1 1 आ रहा है, तो यही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी आप बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया। एक आखिरी है यहां पर, अगर आप देखो डायगोनल को छोड़ के सभी चीज जीरो है, डायगोनल को छोड़ के सभी चीज जीरो है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, ये जो है ये एक क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। हाँ, डायगोनल तो वैसे हम लोग लेंगे नहीं, ये वाला, हाँ ये जीरो ये जीरो, ये वन ये वन, और ये जीरो ये जीरो, तो इसके हिसाब से ये सिमेट्रिक भी है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो और कोई रीजन नहीं है मेरे हिसाब से, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द आंसर, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप बोल सकते हो वैसे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई भी बहुत सारे समझ लो मैट्रिक्स दिए हुए और एग्जाम में मतलब आते भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, और आपको बोला है कि इसको सॉल्व करो, तो आपको बस ना अपना जो 15 हमने जो आपको कराए, जो 15 टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस हमने पढ़ा, इसका बस दिमाग में रखो कि भैया सिमेट्री मतलब क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ठीक है ना, स्केलर मतलब क्या होता है, डायगोनल मतलब क्या होता है, यही सब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यही सब ज्यादा पूछे जाते हैं, और उससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। तो हमने कितना आसानी से किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर है कि नहीं है बताना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो आता है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आया। और एक और चीज होता है, हमने एक और चीज पढ़ा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको नजर डालेंगे, तो इसको मैं मान लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ये हो गया 505, लिख दिया मैंने 199 और 00100, यहां पे 699 और यहां पे 105, ये हो गया तीनों का तीनों मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे मैं बोलूंगा कि ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। ये कॉलम 2 जो दिख रहा है, कॉलम 2 को अगर मैं इससे प्लस करूं, मतलब कॉलम 2 इंटरचेंज हो रहा है, मतलब सॉरी कॉलम 2 चेंज हो रहा है, और किससे चेंज हो रहा है कि कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 हो रहा है, मतलब आप लोग का
कॉलम टू के साथ कॉलम वन को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारा ए का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ। देखो ये पहला कॉलम तो सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेस इसमें है नहीं है। सेकंड कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो रहा है, मतलब 0 प्लस 5 इज नथिंग बट 5 हो गया, 99 प्लस 1 यहां पे 100 आ गया और 99 प्लस 6 यहां पे हो गया 105। और तीसरा कॉलम मेरा चेंज नहीं होगा, मतलब ये तीसरा कॉलम भी सेम टू सेम रहेगा 500 और 105। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप ये चीज देख पा रहे हो, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, तो यहां पे जो कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है, ये दोनों के दोनों अगर आप देखोगे तो ये सेम हो गए, मतलब कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 इज सेम। तो अगर ऐसा होता है जैसे हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ, ये वायर फंस जाता है बार बार, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी नया माइक ले लेंगे, सीधा ब्लूटूथ वाला लगा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने बोला यहां पे आप देखोगे हियर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। अगर ऐसा होता है कि कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो अगर सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो हमने एक चीज सीखा है दोस्तों। क्या सीखा है बताओ मुझे, कि अगर ऐसा हो जाता है तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कि जो डिटर्मिनेंट होगा ए का वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमने एक चीज ये ना इसके पहले वाले डिटर्मिनेंट में ही सीखा है कि कभी भी अगर कोई भी डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो अगर सेम है तो समझ जाना कि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया। और सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट मतलब मैट्राइसेस दिया हुआ, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स कब आता है, जैसा मैंने आपको सिखाया है, सिंगुलर मैट्रिक्स कब हो सकता है कोई भी चीज, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए। तो यहां पे डिटरमिनेंट जीरो आ गया, लेकिन डिटरमिनेंट जीरो कब आया हम लोग तो सॉल्व किए नहीं। डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे तो हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि कभी भी दो चीज सेम आ गए तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट जीरो होता है। डायरेक्ट डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो ये चीज सिंगुलर ही होगा, लेकिन कभी अगर डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो उसका जीरो नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर होगा, ये याद रखना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स है सिंगुलर, आपको बोल के रखा है कि सिंगुलर है मतलब इज इक्वल टू जीरो होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो मतलब क्वेश्चन ही ले लो पहले, 7, 3, -2 और k। यहां पे ना एक लाइन खींच देता हूं मैं, सो दैट अगला वाला यहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको यहां पे खींचता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो यहां पे ये हो गया, अब क्या बोल रहा है कि इट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर है इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स आर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यहां पे दे के रखा है उन्होंने मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा, इसको मैंने ए मान लिया, लेट सपोज डिटरमिनेंट जो ए होगा विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो सबसे पहले, तो डिटरमिनेंट मतलब 7, 3, -2 k, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 7 k, बीच में माइनस, 3 × 2 = 6, मतलब +6 हो गया, इज इक्वल टू जीरो। तो 7 k इज इक्वल टू -6, ठीक है, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 7 k। हाँ ये देखो अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं, 7 k इज इक्वल टू -6, देयरफॉर k इज इक्वल टू -6/7। तो आपका k का वैल्यू आ गया -6/7, कितना इजी था, -6/7 जो आ गया, किसका वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया यहाँ पे, फर्स्ट केस। अब दूसरा केस यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, सेकेंड वन क्या बोल रहा है, देखो डिटर्मिनेंट है आपका, इसको मैं मान लेता हूं लेट b इज इक्वल टू मैंने मान लिया 4, 3, 1, 7, k, 1, 10, 9, 1, ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब हमको पता है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस चीज का जो डिटरमिनेंट होगा, मतलब 4, 3, 1, 7, k, 1, 10, 9, 1, दैट नथिंग बट इज इक्वल टू जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो 4, ठीक है, ब्रैकेट में k × 1 k, बीच में माइनस, 1 × 1 = 9, -3, 7 × 1 = 7, 1 × 10 = 10, -10 हो गया, फिर +1, 7 × 9 = 63, 7 × 9 = 63, -10 k, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, और इज इक्वल टू जीरो लिखना मत भूलना क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे 4 × अंदर कर लो, 4k − 4 × 9 = 36 होता है, −3, 7 = 21 होता है, ठीक है, -10 मतलब -30 मतलब +30 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया +63 × 1 = 63, और -10 k वैसे का वैसे इज इक्वल टू जीरो। अब k वाले को साथ में लाओ, ये -10 k 4 k 4 k में से 10 k गया, कितना बचेगा, -6 k बचेगा, ठीक है, -36 − 21 कितना हो गया, -57 हो गया, -57 में से 30 गया तो कितना बचेगा, -57 में से 30 गया 27 बचेगा माइनस वाला, और
63 से माइनस कर दो, तो 63 माइनस 27 कर दो, कितना बचेगा? 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36, तो ये आ गया 36, ठीक है। तो माइनस 6 के इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 36 आ गया, माइनस 36, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू 36 बाय 6, देयरफॉर के का वैल्यू आ गया कितना होता है भाई, के का वैल्यू, के का वैल्यू कितना होता है? 36 बाय 6 कितना होता है? सिंपल है यार, 6 आ गया, k इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया, k का वैल्यू जो कि है 6, समझ में आ गया? क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। 36 आ रहा था ना इधर पे, तो उसको इक्वल के वो साइड भेजा तो माइनस 36 हो गया, k इज इक्वल टू 36 बाय 6, k इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से आपको k का वैल्यू पूछा जाएगा, सिंगुलर हो चाहे नॉन सिंगुलर हो, जैसे नॉन सिंगुलर के लिए नहीं आता ऐसा केस, ऐसा केस सिंगुलर के लिए आएगा क्योंकि वो इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसको आप डाल के सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी होता है, आपने निकाल लिया, करेक्ट है, क्लियर। एक बार देख लो अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं और कौन सा टाइप का क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल टू समथिंग इज गिवन, फाइंड a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a रेस्ट टू t लिखा हुआ है, मतलब a का ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, फिर उसका भी इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो चलो सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले यहां पे हमारा a का जो वैल्यू है वो लिखते हैं हम लोग, a का वैल्यू क्या है? दैट इज 5 1 -1 3 2 0। अब हम निकालेंगे इसका ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का मतलब होता है रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो, तो ये रो कॉलम बन जाएगा, मतलब ये 5 1 और -1 है, तो इसको ऐसा लिखेंगे 5 1 और -1, ये हमने इसको कॉलम बना दिया, ये पहले रो था इसको हमने कॉलम बना दिया, अब दूसरा रो को भी कॉलम बना दो, तो ये 3 2 0 ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिख दो 3 2 0, तो ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज। लेकिन हमको पूछा है कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है, तो निकाल दो भैया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज का क्या निकालना है दोस्तों? ट्रांसपोज निकालना है, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? चलो ध्यान दो, ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जैसे हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसपोज का, कि रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो, ठीक है, तो ये आपका क्या है? रो है, तो रो बिकम कॉलम, तो कॉलम बना दो, 5 3 ऐसा लिखा है तो इसको लिख दो 5 और 3, ठीक है, लिख दिया, ये रो आपका ऐसा लिखा है 1 और 2, तो इसको ऐसा लिख दो 1 और 2, ये बन गया कॉलम, रो आपका कॉलम बन गया, और जैसे ये भी रो है इसको कॉलम बना दो, -1 0 लिखा हुआ है तो -1 0 बना दो, ठीक है, तो ये बन गया आपका, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ए टी रेस टू टी, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और एक मजे की बात बताओ, कभी भी याद रखना कि कोई भी ए ट्रांसपोज आप निकालो और उसका वापस से ट्रांसपोज निकालो, वो किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये पूरा ये सेम क्वेश्चन के बराबर है, 5 1 -1 3 2 0, मतलब ए के बराबर ही आपका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, मतलब आप एक बार इंटरचेंजिंग रो कॉलम कर रहे हो, वापस से उसी को इंटरचेंजिंग कर रहे हो, तो आपका जो ओरिजिनल था वही आएगा, दैट इज नथिंग बट योर आंसर। आगे आपका आंसर करेक्ट है, कितना ईजी था, समझ में आ गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे एक बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसमें दिख रहा है आपको निकालना है, और क्वेश्चन में बोल रहा है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक याद है आपको? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो होता है उसको हम लोग को सेम, मतलब नंबर सेम होते हैं खाली वैल्यू अलग होते हैं, मतलब साइन का फर्क होता है, दैट इज प्लस और माइनस का ही फर्क होता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को बोल के रखा है कि ए का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं हम लोग, लेट ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, 0 -5 i और ये एक्स, यहाँ पे वाई 0 और z, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे -√2 और यहाँ पे 0, तो मैंने मान लिया, ठीक है। अब यहां पे ऑलरेडी बोल के रखा है कि सिंस ये जो वैल्यू है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक का एक सीन होता है कि ए ट्रांसपोज जो होता है ना वो किसके बराबर होता है? माइनस ए के बराबर होता है, क्योंकि देखो जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और जो आपका ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है, उन दोनों में फर्क सिर्फ होता है कि रो इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर ए के साथ माइनस जब जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमेशा याद रखना एक सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मतलब सिर्फ रो, मतलब ये जो वैल्यू होता है और ये वैल्यू, इसमें सिर्फ किसका फर्क होता है? प्लस माइनस का फर्क होता है, लेकिन अगर उसी में मैंने माइनस ऐड कर लिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, तो मैं इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करूं, देखो ध्यान से अगर देखना, तो मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूं, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कौन बताएगा मुझे? ये रो कॉलम बन जाएगा, तो ये 0 -5 i इधर आ जाएगा, और ये x ऐसा लिखा है तो ये इधर आ जाएगा, मतलब ये रो था इसको मैंने कॉलम बना दिया। उसी प्रकार y 0 z हो गया, ये ऐसा था इसको ऐसा लिख दिया मैंने, ये 3/2, ये -√2 और ये 0, करेक्ट, ये आपका क्या बन गया? a ट्रांसपोज बन गया। अब मुझे एक चीज पता है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दे रखा है कि यहां पे सिंस a जो है मेरा क्या बोल के रखा है कि इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या बोल के रखा है कि इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए का जो वैल्यू होगा, करेक्ट है, जो हमारा ए का जो वैल्यू होगा, देखो यहां पे ए का जो वैल्यू होगा वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है लेकिन माइनस में, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहां पे इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूं सबसे पहले। ये समझ में आया ना, ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, बस हमने क्या किया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो माइनस ए इसके माइनस जो था वो इसको दे दिया मैंने, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं यहां पे, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। अब मेरे पास ए का वैल्यू है यहां पे, ए मेरे लिए कौन है, ये ए का वैल्यू है, तो इसको ए को लिखो यहां पे, क्या लू, कलर चेंज करता हूं यहां पे, मैं येलो लेता हूं। चलो, ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये पूरा मैट्रिक्स है, तो इसको लिख दो ए के जगह पे। देखो ये ए है ना, ए इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो ए जो है ना, ए ए तो ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, तो सेम लिख दो यहां पे, जीरो माइनस फाइव आई और क्या है एक्स, ये लिख दिया मैंने, सेम वाई जीरो जेड, वाई जीरो जेड, और तीसरा है थ्री बाई टू, यहां पे है माइनस रूट टू और यहां पे है जीरो। ये ए आपने लिखा, ए लिखा आपने, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का वैल्यू पता है मुझे ऑलरेडी ये वाला, तो क्या लिखोगे आप, जीरो वाई थ्री बाय टू, अगला है माइनस फाइव आई, बीच में है आपका जीरो और ये है आपका माइनस रूट टू, फिर क्या लिखा हुआ है, एक्स जेड और जीरो, तो एक्स जेड और जीरो, ये आपने लिख दिया, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये आपने लिख दिया, दिख रहा है आपको, करेक्ट है, यहां तक समझा। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, अगर आप देखोगे थोड़ा भी दिमाग अगर समझ पा रहे हो, दिमाग अगर लगा पा रहे हो, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस इक्वालिटी के साथ आपको जाना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे होंगे तो इसमें आपको करना क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे जो माइनस का सिंबल है ना, इसको अंदर चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है, तो आप कर दो, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं क्या करता हूं ना, इसको ना पहले येलो में रहने देता हूं। चलो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से, ये सेम टू सेम रख रहा हूं मैं, जीरो माइनस फाइव आई, यहां पे x, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, ये y 0 और ये z और ये 3 बाय 2 माइनस रूट 2 और ये 0, इसको मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसको मैंने सेम टू सेम वैसे ही रखा है। ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये इज इक्वल टू जो माइनस साइन यहां पे दिख पा रहे हो, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक के साथ माइनस हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस ये 0 रहेगा, लेकिन माइनस y हो जाएगा, ये 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस 5i हो जाएगा प्लस i, प्लस 5i बन गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय जीरो, माइनस जीरो ही रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट टू, ये पॉजिटिव रूट टू बन गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये माइनस एक्स बन गया, माइनस जेड बन जाएगा और ये माइनस जीरो मतलब जीरो ही रहेगा। ये आपको समझ में आ गया, ये इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, इक्वालिटी लगा सकता हूं, तो मैं यहां पर कर सकता हूं बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस, यहां पर मैं लिखता हूं एक वर्ड, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस, क्या लिखूंगा यहां पर मैं, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस। तो यहां पे आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था, तो यहां पे आप देखोगे तो एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस थ्री बाय टू, तो आपका एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस थ्री बाय टू, समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस थ्री बाय टू। बताओ मुझे वाई के जगह पे क्या लिखा है, वाई के जगह पे क्या लिखा है, फाइव आई, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव आई, और जेड किधर है आपका, जेड, ये जेड है, तो जेड की जगह पे क्या लिखा है, रूट टू, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू। तो यही आपका आंसर है और यही आपका फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, y इज इक्वल टू फाइव आई और z इज इक्वल टू रूट टू, दिस इज द फाइनल आंसर, और इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको इसको पढ़ा दिया, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, इसको ध्यान से समझ लेना ताकि आपका पूरा जो टॉपिक है, डाउट जो है वो एकदम मजे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, यूजिंग द ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज का इस्तेमाल करना है और पूछा है फाइंड आउट द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब हमें बताना है कि ये जो मैट्रिसेस है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है कि क्या है, नॉर्मल सिमेट्रिक है, तो हम लोग देख के तो बता सकते हैं, तो चलो देख के बताओ, ये टू है, ये टू है, ये माइनस फाइव, ये माइनस फाइव, ये फोर है, फोर है, तो देख के बोल सकता हूं कि ये सिमेट्री है, स्क्यू नहीं है, ये नॉर्मल वाला सिमेट्री है, लेकिन इसको हम लोग को प्रूव करके दिखाना है बाय यूजिंग द ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो कि है 1, 2, माइनस फाइव, सेम 2, माइनस थ्री और 4, क्वेश्चन उतार लो पूरा, माइनस फाइव, फोर और 9। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज मतलब रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, तो ये रो है, ये कॉलम बना दो, 1, 2, माइनस फाइव, ये रो है 2, माइनस थ्री और 4, बना लिया, ये आपका रो है, तो माइनस फाइव, फोर और 9, ये रो बिकम कॉलम बन गया, कॉलम बिकम रो बन गया, तो ए ट्रांसपोज आपने निकाल लिया, करेक्ट है, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया,
दैट इज नथिंग बट वॉट, दैट इज नथिंग बट, आप देखो ए ट्रांसपोज को देखो, ए ट्रांसपोज को देखो और ए को देखो, ये वन है ये भी वन है, ठीक है, ये टू है ये भी टू है, ये माइनस फाइव ये भी माइनस फाइव, ये टू है ये टू है, माइनस थ्री माइनस फोर ये फोर फोर, माइनस फाइव फोर नाइन, मतलब आपने अगर देखा ध्यान से तो आपका जो ए था वो बराबर आ रहा है ए ट्रांसपोज के। और अगर ऐसा होता है कि a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आता है, a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो a है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a इज सिमेट्री मैट्रिक्स, या फिर नॉर्मल सिमेट्री बोल सकते हो। अगर वही यहां पे a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आता, यहां पे माइनस आ जाता, अगर ये सब माइनस में होते तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता। तो ट्रांसपोज का यूज करके आप बता सकते हो कि कौन सा सिमेट्री है कौन सा नहीं सिमेट्रिक है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है इसीलिए ये सिमेट्रिक है, a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आता तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक होता। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो यही था दोस्तों हमारा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहां पे मैं समाप्त करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर लाऊंगा लेक्चर नंबर 6, इसमें और भी बचे कुछ जो मैट्राइसिस वाले पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट करके जरूर से बता देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि सभी लोग को इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के ऊपर, केमिस्ट्री के थोड़े से फ्लक्चुएशन हो रहे लेकिन वीडियोस अवेलेबल है, मैथ्स के तो एकदम धाकड़ तरीके से आ रहे, मैथ्स टू ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मैथ्स वन भी हो जाएगा, ठीक है, और बायोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो हर एक का हर एक कंसेप्ट मिल रहा है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन और सबको इन्फॉर्म करके बता दो यार कि इतना नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा हमें सपोर्ट जरूर से करें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे फिर जल्दी, ठीक है, एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।